हमें ज्वाइन किया सोहेल सरदार साहब ने, जो कि फाउंडर हैं बॉर्न टू रन, साथ ही हैं इस्मा खान हु इज द ब्रांड एम्बेसडर, और साथ ही बिहेवियर एनालिस्ट भी हैं। ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक सेंटर चलाती हैं आई केयर के नाम से। अलेना भुट्टो भी हमारे साथ हैं हु इज आल्सो एन अ फैशन इन्फ्लुएंसर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले सोहेल आपसे पता कर लेते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया भाई? ये आइडिया दिमाग से आया, और तो हमने ये स्टार्ट किया था 2021 में, तो उस टाइम स्पॉन्सर में कोई नहीं थे, तो हमने एक नया कॉज किया कि यार पाकिस्तान में मेंस के लिए तो सब कुछ होता है, वुमेंस के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फिर वहाँ से जब मैंने पहला इवेंट कराया तो उसमें 30-40 वुमेंस आई, फिर उसके बाद ये आइडिया लोगों को क्लिक किया, और फिर अब ये हर ईयरली इवेंट होता तो है। तो यानी टोटल अटेंशन लाने के लिए कि खवातीन की जो सरगर्मियाँ होती हैं, वरना रेसिंग ग्रुप्स वगैरह तो हमने अब देखे हैं काफ़ी सालों से, हम कराची में देख रहे हैं कि हैं। देखिए हमारा है, हमारा जो ग्रुप का जो एम है रन फॉर योर हेल्थ। ओके, इस दौर में अगर कोई अपने लिए 15 मिनट भी निकालता है ना, और ये साल में एक ही दफ़ा निकालने होते हैं या बाकी साल भी आप लोग कुछ नहीं? मैं हम लोग क्या करते हैं कि मैं पिछले 7 साल से आई गिव अ फ्री रनिंग ट्रेनिंग एट जमजमा पार्क थ्राइस अ वीक। वंडरफुल, दैट्स सो नाइस। पाकिस्तान में रोड रनिंग कॉन्सेप्ट बॉर्न टू रन पाकिस्तान लेके आया था। इस्मा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्मा आप ज़बरदस्त काम करती हैं अदरवाइज ऑटिस्टिक बच्चों की मदद एज एन अपनी इदारे के तहत करने के अलावा, तो ये रनिंग का शौक़ आपको कब से डेवलप हुआ? तो मैं तकरीबन 4 साल से बॉर्न टू रन के ग्रुप में हूँ, और मैंने रनिंग कोविड में शुरू किया था, तो मुझे भागना, स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें पसंद थी, लेकिन जब कोविड हुआ सब कुछ बंद हुआ। तो फिर मैं रोड पे चलती थी अपनी अम्मी के साथ, सी व्यू पे, फिर पार्क्स खुल गई तो पार्क्स में मैं थोड़ा थोड़ा भागती थी, फिर मैं मिस्टर सोहेल सरदार से मिली और उन्होंने देखा कि मुझे भागना पसंद है, तो उन्होंने बोला हमको ज्वाइन करें। तो फिर सिंस देन मैं उस वक्त तो 2-3 किलोमीटर भी नहीं भाग सकती थी, और वहाँ से लेकर अब मैं 21 किलोमीटर्स मैंने 6 दफ़ा किए। हाफ मैराथन। हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द मैराथन्स आल्सो जो आजकल कराची में काफी होती हैं? जी जी, अभी वो एक हुई थी एसओपी की, जो वहाँ हम सब थे, और काफी इवेंट्स जो होते हैं हम ज्यादातर वहीं होते हैं। ओह लवली, व्हाट अ नाइस कॉज टू बी अ पार्ट ऑफ। अलेना आप बताएं आपने कैसे मतलब फैशन एंड रनिंग, मतलब हाउ डज दैट फॉर फैशन यू हैव टू स्टे फिट एज वेल एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हां तो फिर तो आपने भागना होगा 100%। सो दिस वाज द मेनली रीजन दैट आई स्टार्टेड रनिंग एंड इट्स गोइंग वेल। इट्स बीन मोर देन अ ईयर, मोर देन 2 आई गेस, 2 इयर्स। या और सरदार ने हमें ट्रेन किया है, और मैंने भी व्हेन यू से ट्रेन किया है तो कैसे ट्रेन? ट्रेनिंग बेसिकली व्हाट वी डू इज के हमारे हमें रूटीन में से थोड़ा टाइम निकाल के हमें शो अप करना पड़ता है फॉर द रन, और वो हमें बताते हैं कि इतने डिस्टेंस, जैसे संडे हम लोग करते हैं विच इज़ आर लॉन्ग रन, तो उसमें हम अपना सारा टारगेट डिस्टेंस अपना फिनिश करते हैं, और उससे हम अपना कभी डिस्टेंस इंक्रीज करते, कभी पेस पे काम करते, कभी ब्रीदिंग पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह से हम ट्रेन होते हैं। ये पूरी साइंस है, मतलब हम कहते हैं ना कि उठ के भाग पड़ो। अब जैसे मैं आपको एक मजे की चीज बताऊँ, जैसे अलामा है व्हेन शी जॉइंड, सो इनके पाँव में स्क्रू भी लगा हुआ है, तो इनको लगता नहीं था मैं जिंदगी में भाग सकती हूँ, तो मैंने इनको बताया कि हाउ स्ट्रांग यू आर। ओके, तो हमारा ये काम है कि लोगों को बताना कि जस्ट कम, इट डजंट मैटर कि आपका स्टेमिना कितना, वेट कितना, जस्ट कम, हाउ स्ट्रांग यू आर, ये हम बताते हैं लोगों। ये बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि कुछ लोग बहुत चीज़ों से अपने आप को डिटर कर लेते हैं, डर जाते हैं कि मेरा वेट इतना ज्यादा है, मैं किसे भागूंगी, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको किधर छोड़ के आऊंगी, मतलब आप करने को आए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है अब तक आपके इस ग्रुप में, इसमें बॉर्न टू रन में कितनी? देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, और कोई भी इवेंट होता है हमारी फीमेल सबसे ज़्यादा होती हैं, मेल्स भी, फीमेल्स भी, ठीक है। और दूसरा हमारा जैसे अब इवेंट हो रहा है वुमेन पावर रन, तो हमारा स्लोगन है नथिंग इज फ्री दीज डे एक्सेप्ट बॉर्न टू रन पाकिस्तान। हमारे इवेंट के कोई चार्जेस नहीं होते। अच्छा, यानी लिटरली फ्री है, एनीबॉडी कैन जॉइन, टोटल फ्री है, कुछ सिर्फ दुआएं चाहिए बस। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, क्या कितने 100 खवातीन होंगी, लड़कियाँ होंगी? ये टारगेटेड है 500। हमारे पेज है बॉर्न टू रन पाकिस्तान, वहाँ करें और आप रजिस्टर होंगे, आपको टी शर्ट भी फ्री मिलेगी, आपको बैग भी फ्री मिलेगा, आपको कॉस्मेटिक्स भी, ईच एंड एवरीथिंग फ्री आपके घर पे। बेसिकली रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, आप सिक्योरिटी सेफ्टी भी एक चीज़। Do you see, you know, ये आपको लगता है कि हमारी यहाँ ख़वातीन में पर्टिकुलरली फिटनेस या हेल्थ से मुतालिक अवेयरनेस बढ़ रही है, या उसी सतह पे है जो कई साल पहले थी,
हमें ये लगता है कि आज की माँ पर्टिकुलरली अगर देख लें, हमारी अम्मियाँ शायद उतनी कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन आज की माँ अपने लिए वक्त निकालती हैं, टाइम भी निकालती हैं, भागती भी हैं, वर्कआउट भी करने की कोशिश करती हैं। वेरी ट्रू, आई थिंक इट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने अपना वर्कआउट, अपनी अपनी पूरी लाइफ इस तरह से बैलेंस करनी है कि वे यू हैव टू वर्क आउट एंड ऑल्सो यू हैव टू बी यू नो योर मदर, योर डॉटर, योर समन्स वाइफ, सो यू हैव टू प्ले ऑल दीज रोल्स और उसके साथ साथ अपने वर्कआउट भी करना है, उसके साथ अपने अपने आपको हेल्दी भी रखना, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द वेट या ज्यादा, इट्स जस्ट अबाउट यू नो बीइंग हेल्दी और उस हिसाब से। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट कि आप एटलीस्ट कोशिश करें, इनिशिएटिव लेने वाली बात है। इट वाज द सेम फॉर यू इस्मा, मतलब आपने बताया कि आप वॉक वगैरह तो कर ही रही थी, लेकिन ये जरा ज्यादा सीरियस लेवल हो गया। हैव यू बीन एबल टू रिक्रूट अदर गर्ल्स एंड यू एम फॉर 42 किलोमीटर्स आगे? दैट इज द गोल इंशाल्लाह। वेल हियर इज द थिंग, आई मीन रनिंग इज अ थिंग कि आपकी, आई मीन इट रनिंग एक चीज़ होती है कि आपकी काफ़ी मेंटल ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि आप भाग रहे हैं और आप थक जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं क्यों आगे जाऊँ, बट फिर आप माइंड बना के करते हैं ना, तो इट्स ऑनेस्टली इट्स माइंड ओवर मैटर। अब मैंने जब 21 किलोमीटर्स की थी, 19 के बाद आई मीन 2 घंटे तो गुजर गए थे, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे टांगे के जो हिल रहे हैं, मुझे पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, सुन हो जाते हैं और आप बस चलते जाते हैं, फिर एंड पे पहुँच के आपको पता होता है कि आपने पूरी की है। लेकिन ऑनेस्टली ऑल्सो मेरे लिए रनिंग एक, मैं खुद ही एक थेरेपिस्ट हूँ, तो रनिंग मेरे लिए एक थेरेपी है। और एंड ऑनेस्टली जब से मैंने शुरू किया है, मैंने देखा है कि जो लोग भागते हैं, जो लोग फिटनेस में होते हैं, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन में आप आते हैं कि मैं सुबह सुबह हर सुबह 7 बजे भागती हूँ सी व्यू पे या पार्क पे, और ऐसे मेरा दिन चलता है कि आई फील गुड कि मैंने सुबह को वर्कआउट किया। आपने आपकी अचीवमेंट है ना, एक आपने यू हैव सेट योरसेल्फ अ गोल, अ टारगेट, एंड यू डू इट, तो वो वैसी ही फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट, एक्सरसाइज, भागना आपके जिस्म में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। एंजाइटी, जल्दी से सुहेल एक दफा फिर बता दें ये कब है ताकि हम अनाउंस कर दें। यू हैव टू, ये है 3 मार्च को सुबह 6:45 वी हैव टू गेदर ओवर देयर डीएचए फेज 8 में एचएमआर, और जस्ट कम एंड मैसेज है वर्ल्ड को कि पाकिस्तान में वुमेन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज अ मैसेज। जबरदस्त, 3 मार्च को तैयारी पकड़ लें सारी खवातीन। पाकिस्तान के फेसबुक पेज वगैरह पे आप इन लोगों से राब्ता कर सकते हैं। सुहेल, इस्मा एंड अलाइमा, मतलब थोड़ा सा खौफ आता है, लेकिन कितने अरसे में इतना स्टैमिना डेवलप होता है? मुझे, मैंने फर्स्ट 10 किलोमीटर्स किया था, वो मैंने 7 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है और थोड़ा ग्रेजुअली पेशेंस के साथ, क्योंकि आई कांट लाइक साइन अप फॉर रेस, आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर हाफ लाइक फॉर मंथ, और उससे ज़्यादा फिजिकली प्रिपरेशन से ज़्यादा मेंटली प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है फॉर मी स्पेशली, कि आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट आई हैव टू डू इट, क्योंकि अगर आप बोलते रहते ना कि अपने हाफ को कि आई हैव टू डू इट, देन यू कैन रीच योर5 किलोमीटर भी इस दौर में अगर कोई टाइम निकालते हैं ना अपने लिए, तो मेरे ख्याल में वो मैराथन के बराबर ही। वंडरफुल जी, बेहतरीन, बिल्कुल। सुहेल सरदार, इस्मा खान एंड अलाइमा भुट्टो, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू। तमाम खवातीन जो हमें सुन रही हैं कराची में अगर और इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो 3 मार्च को सी वी यू जा सकती हैं।